दोस्तों, आज हम बात करेंगे राशन कार्ड से संबंधित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर के एक नया नियम जारी किया गया है। ऐसे सभी राशन कार्ड धारक जो राशन मुफ्त में राशन लेते थे या धनराशि से राशन लेते थे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो डीलर के पोस मशीन के माध्यम से रहेगी। इसके लिए आपको किसी भी साइबर कैफे या अन्य स्थान पर नहीं जाना होगा। हालांकि अभी जो इसका प्रस्ताव हुआ है कि उसका जो सत्यापन होना है वो डीलर के माध्यम से ही होगा। अगर ऐसा आने वाले समय में अगर आता है कि आप उसका ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल को उसका जो सत्यापन है वो डीलर के माध्यम से हो रहा है। तो चलिए हम उसका जो न्यूज़ है या फिर जो उसका लेटर है उसे पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या बताया है। राशन कार्ड लाभार्थियों के डाटाबेस में सीडेड आधार नंबर का समुचित वैलिडेशन नहीं हो पाने के कारण पात्र अपात्र लाभार्थी की पहचान तथा आधार ऑथेंटिकेशन से खाद्यान्न वितरण में आने वाली समस्याओं के निस्तारण EKYC द्वारा किया जाना है। मतलब उनका जो निस्तारण है, मतलब पात्र अपात्र जानने के लिए उनकी EKYC होगी। EKYC होगी थंब के माध्यम से। आगे बढ़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त राशन कार्ड धारक, जो यूपी के समस्त राशन कार्ड धारक हैं, धारकों की EKYC कराए जाने का अभियान माह जून, मतलब जो अभी फिलहाल को महीना चल रहा है, इसी से चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए राशन कार्ड धारक के समस्त सदस्यों का सहयोग और नितांत आवश्यक है। EKYC अभियान के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला है राशन कार्ड लाभार्थियों की EKYC का कार्य ई पोस के माध्यम से उचित दर विक्रेता के सहयोग से निशुल्क कराया जाएगा। मतलब जो EKYC हमारी होनी है वो राशन डीलर के माध्यम से निशुल्क आपको प्रदान की जाएगी। लाभार्थी अपनी निकटतम किसी भी, अगर आप कहीं भी रह रहे हैं या किसी भी, देखिए इससे मतलब है कि किसी भी, कहीं भी या किसी भी ग्राम पंचायत में या कहीं आप भी जहाँ रह रहे हैं वहां पर ही उचित दुकान पर जाकर EKYC करा सकते हैं। EKYC हेतु लाभार्थी को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। मतलब उसका जो है अंगूठा लगेगा, OTP या से नहीं होगा, या तो आयरिस से होगा या फिर उसके थंब से होगा। पढ़ लेते हैं दूसरे में क्या बताया। दूसरा है EKYC के साथ इस विकल्प के अंतर्गत राशन कार्ड धारक से मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अगर किसी के राशन कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा है और ऐसी स्थिति में वो अपना राशन कार्ड का प्रिंट नहीं निकाल पाते थे, तो उन लोगों को अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर भी अपडेट कराने की सुविधा दी जाएगी। इसका उपयोग राशन कार्ड मुखिया द्वारा करते हुए मोबाइल नंबर फीड या संशोधित किया जा सकेगा। अगर आपके में नहीं लगा है तो लगाया जाएगा। अगर आपके में पहले लगा है और वो नंबर अब आपका यूज नहीं करते हैं या कोई गलत नंबर लगा है, तो उसे संशोधित किया जाएगा। इस मोबाइल नंबर पर कार्ड पर प्राप्त होने वाले राशन का विवरण SMS द्वारा प्राप्त होगा। आप जब भी राशन कार्ड ऐसे राशन लेने के लिए जाएंगे तो तुरंत आपको एक SMS मिल जाएगा कि आपने ये राशन डीलर से लिया है, 5 किलो या जो भी मिलता होगा, आपको तुरंत SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर पढ़ लेते हैं। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी राशन कार्ड में मुखिया के परिवारजन का संबंध गलत है, मतलब जैसे आपके पिताजी हैं और आप उनके बेटे लगते हैं, तो वहां पर बेटी लगा है, मतलब आप मुखिया से यूनिट का संबंध अगर गलत है, मुखिया से सदस्य का संबंध अगर गलत लिखा है, बेटा बेटी या बहू, इस तरीके से गलत संबंध बहुत सारे हैं, अगर गलत लिखा है तो उसे भी सुधारा जा सकेगा। आप कह सकते हैं कि जब मेरा ये संबंध गलत है, आप इसे सुधार दीजिए, तो राशन डीलर आपका ये भी अपडेट करेंगे। इस संशोधन का अधिकार भी केवल राशन के मुखिया को ही होगा, और वो केवल जो राशन में जो मुखिया बना हुआ है ना, वही केवल इसका सुधार या संशोधित करा सकता है। 4 नंबर पढ़ लेते हैं। अन्य सभी राशन कार्ड सदस्यों को मात्र EKYC कराना होगा। मुखिया केवल जो संशोधित है उसे कराएगा, और बाकी अन्य जो सभी सदस्य हैं राशन कार्ड में, यूनिट जिन्हें बोलते हैं, वो सभी को EKYC कराना होगा। सभी राशन कार्ड परिसर से अपील है, देखिए अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उचित दर दुकानों पर पहुंचकर, मतलब राशन डीलर के पास पहुंचकर अपना EKYC पूर्ण कराना आज ही सुनिश्चित करें। मतलब जिन जिन पर यह सूचना पहुंच रही है वो सभी अपने राशन डीलर पर जाएं और इस EKYC को कराना जरूरी समझे, और जरूरी भी है, वरना आपका राशन कार्ड कभी
काट दिया जा सकता है। देखिए, तो कुल मिला के ये न्यूज सभी तक पहुंच चुकी होगी। अगर आपके पास अभी पहुंची है तो अच्छी बात है, आप अपने डीलर से जाकर के राशन सत्यापन करा सकते हैं और अपना राशन जो है कटने से बचा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।